मार्शल्स एसिड जो कि एक ऑक्सो एसिड है ऑफ द सल्फर तो इस मार्शल्स एसिड का फॉर्मूला क्या है स्ट्रक्चर क्या है और उसमें जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये सब फाइंड आउट करेंगे हम आज के लेक्चर में तो फॉर्मूला क्या है देखो एच टू टू ओ एट जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सिटाईसिक एसिड अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन सल्फर एक्स एंड ऑक्सीजन माइनस टू तो उसका आंसर आ जाएगा प्लस सेवन जो कि रॉन्ग है तो कैसे फाइंड आउट करें उसका आंसर है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करते हैं मार्शल्स एसिड का तो ये है उसका स्ट्रक्चर इसमें अगर सेंटर में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या है तो पेरोक्साइड लिंकेज मतलब यहाँ पे वाले ऑक्सीजन वो वाले ऑक्सीजन कैरी करेंगे माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर तो उसके हिसाब से साइड वाले दोनों भी सल्फर कैरी करेंगे प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर अब ये तो हो गया सेंटर वाला पार्ट साइड की अगर ओ एच बॉन्ड कंसिडर करते हैं तो वो वाला ऑक्सीजन कैरी करेगा माइनस वन चार्ज फॉर हाइड्रोजन और अनादर वन माइनस वन चार्ज फॉर सल्फर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोन है हाइड्रोजन एज वेल एज सल्फर से ज्यादा तो ये तो हो गया उसका वो माइनस वन चार्ज जो ऑक्सीजन ने सल्फर के लिए कैरी किया है उसके लिए सल्फर कैरी करेगा प्लस वन चार्ज और अभी रहेगी बात वो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो हमें पहले से ही पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है ज्यादा तो डबल बॉन्ड है मतलब ऑक्सीजन विल विल कैरी कैरी चार्ज चार्ज और उसका हो गया तो तो सल्फर अगर ऐसे करके कुल मिला के अगर हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट वाला सल्फर और सेकेंड वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो वो आ जाएगा प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन मतलब इन सब के एडिशन करने पे हमें आंसर मिलेगा प्लस सिक्स हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आता है प्लस सिक्स